था उनको कहा था कि कम से कम वहाँ पे चेक तो करो, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रशासन ये डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अभी सेकंड टाइम ऐसा हो गया और लड़के की डेथ हो गई। तो पूरे गांव में पहले क्या प्रॉब्लम, बिल्कुल ये फेलियर है पीडीडी डिपार्टमेंट का। वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक सभी घरों में मैक्सिमम हुए हैं और उसकी वजह से एक लड़की की डेथ हो चुकी है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था और हमने एप्लीकेशन दिया हुआ था डिपार्टमेंट को, बट डिपार्टमेंट ने कोई भी एक्शन। वहाँ पे मेन बात यह है कि जो जनरल लाइन है वो सर्विस लाइन के साथ में रखी हुई है और ये डिपार्टमेंट को हमने बताया था कि इसको यहाँ से शिफ्ट करें, बट उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। और दो बार हम ये अपने MLA साहब के पास भी इसी बात को लेकर गए हुए थे, क्योंकि एक बार आप वहाँ पे विजिट करें, मौके पे आके देखें कि प्रॉब्लम क्या है, बट वहाँ पे उन्होंने ना ही कोई विजिट किया ना ही कोई एक्शन हुआ। तो आज उसकी वजह से देखो एक लड़के की डेथ हो चुकी है। हम ये नहीं चाहते कि आगे नेक्स्ट कोई दूसरा संतोष कुमार ऐसा हो, और हमें पूरा कोऑपरेट चाहिए, पूरी ये क्या बोलते हैं एक्शन चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से, और इस PDD डिपार्टमेंट के खिलाफ FIR काटी जाए।